विधायक नेता शंकर पोखरियाल के टिप्पणी के विरोध में जनकपुरक युवा सब द्वारा पोखरियाल के पुतला दहन। एमालेक मध्य प्रदेश इंचार्ज मंडल के जनकपुर में विरोध, पोखरियाल ओना बाजल हैत मंडल के एखनो विश्वास नहीं भर। मधेसी के कारी कह के एमालेक नेता दर्शनवादी चिंतर प्रश्न कने संघीय समाजवादी फोरम नेपालक नेत्री यादव के कहब, आजिका वायरस के संक्रमण फैलल व्यक्ति के कमती में 6 महीना शारीरिक संबंध नहीं बनाब विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड निजामती सेवा इतिहास के संगीन मोड़ में आब के रुक गए बतौलक। निजामती सेवा दिवस के अवसर में सामान्य प्रशासन मंत्रालय बुध दिन काठमांडू में कने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दहाल संविधान कार्यान्वयन कर प्रभाग आ केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था के विकेन्द्रीकृत कर प्रभाग कारण रहला से निजामती सेवा इतिहास के संगीर मोड़ में आब चुकल बतौलक। वो देश के संघीयता में लगेला से निजामती प्रशासन आब अपन ढांचा परिवर्तन कर प्रभाग आ एकदम चुनौतीपूर्ण होबाक बतौलक। वो निजामती प्रशासन अपना के सक्षम आ प्रभावकारी बनाब के अलावा स्थानीय तह में रह काम कर के लिए आप तत्काले स्वरूप निर्धारण कर आवश्यक रहल समेत बताने चले। सेवा को कार्ड में संविधान कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आई लागेको छ भने अर्कातिर संविधान कार्यान्वयन बाट आफ्नै मानै सबभन्दा बढी प्रभावित हुने स्थिति पनि छ। हामीलाई परम्परागत रूप में भन्ने गरिए झैं निजामती सेवालाई प्रभावकारी र सक्षम मात्र बनाएर पुग्ने सुविधा उपलब्ध छैन। कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन मंत्री केशव बहादुर बुढाथोकी निजामती सेवा में दंपति कार्यरत रहल अवस्था में उनका सबके माँ के स्थान में सरवा तथा पदस्थापना के व्यवस्था मिलाल जेबाक बतौलन। वो वही के लिए सरकार निजामती सेवा ऐन संशोधन के प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ा चुकल बतौलक। प्रचलित नेपाल कानून अन्यथा व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक निजहरूले माग गरे अनुसारको पाइक पर्ने गरी पदस्थापना तथा सरवाको नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै हालसम्मका विभिन्न प्रशासन सुधार प्रतिवेदनहरूले सुझाएका सिफारिसहरूको संज्ञाताको वर्तमान सर्वरमा के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विज्ञ सहितको एउटा कार्यदल बनाई अध्ययन गराउने सुरु गरेका छ। सामान्य प्रशासन मंत्री बुढाथोकी कर्मचारी सब के लिए कल्याणकारी कोष आ स्वास्थ्य बीमा के कार्यक्रम अगाड़ी बढ़ावा लागल समेत बतौलक। निजामती कर्मचारी सब सेवा मैत्री प्रशासन संघीयता में सुशासन नारा के साथ निजामती सेवा दिवस मनौलक। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड भारत समकक्षी नरेंद्र मोदी संग आसीन 31 गते भेटवार्ता करबाक तय भेल। भादो 31 गते भेटवार्ता करबाक कार्यक्रम तय भेल। प्रधानमंत्री दहाल बुध दिन सिंह दरबार स्थित अपने कार्यालय में पूर्व राजदूत पूर्व परराष्ट्र मंत्री आ कूटनीतिक मामला के जानकार सब संगे सुझाव लेब के क्रम में अपन भ्रमण तालिका के विषय में जानकारी करौने। प्रधानमंत्री दहाल मोदी के निमंत्रणा में भादो 30 गते भारत जाए के कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री दहाल भ्रमण गेल प्रातः भेने औपचारिक भेटवार्ता में व्यस्त होबाक आ दोसर दिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित जल विद्युत आयोजना के अवलोकन में जेबाक तालिका रहल जानकारी देने। औपचारिक भेटघाट जो 16 तारीखमा हुँदैछ, 17 तारिखमा म एउटा हाइड्रो प्रोजेक्ट पहाडमा भएको हिमाचलको एउटा हाइड्रो प्रोजेक्ट हेर्ने कुरा छ। अरू त्यसपछि केही इन्टेलेक्चुअलसँग पत्रकारसँग बिजनेस कम्युनिटीसँग कुरा गर्ने भन्ने छ। भ्रमण तालिका जानकारी करेबा क्रम में प्रधानमंत्री दहाल अपन भ्रमण के विषय में कोनो किसिम के आशंका नहीं कर आग्रह समेत कने छल। ओ नेपाल के कोनो प्रधानमंत्री अन्य देश में गेला पर भारत गेला पर आशा आ आशंका बेसी कैल गेल कहित आशा आशंका कर के प्रवृत्ति आप त्याग प्रभाक आग्रह करें। हमी कहाँ तरंग जस्तो आशंका जस्तो कता कता भए जस्तो र अलिकति आशा जस्तो के जस्तो भइ नै राख्छ नेपाल। अरू देशमा जाने भन्दा त्यति धेरै हुँदैन, भारत जाने भनेपछि के हुन्छ भन्ने हुन्छ आम नेपालीको र सबै बुद्धिजीवीहरूको पनि र मिडियामा पनि यसले कभरेज त्यसरी नै पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ प्राप्त पनि गर्छ। अपन कहब राखि लेलाके बाद प्रधानमन्त्री दहाल कूटनीतिक मामिलाक जानकार सबसँगै
भ्रमण में उठावा प्रभाव विषय के विषय में सुझाव मांगने छलथि। ओहि क्रम में ओ सब नेपाल आ भारत नजदीक के पड़ोसी रहलथि। संविधान जारी भेला के बाद दू देश के संबंध में ठंडापन देखल गेल कहैत उ ठंडापन सदा के लिए हटाब जका संबंध सुधार कर सुझाव देने छल। स्वयं सब प्रधानमंत्री के भ्रमण से आब आइंदा दू देश बीच अविश्वास सृजना नहीं होबाक सुनिश्चितता हो पड़बाक बतौने पूर्व परराष्ट्र मंत्री द्वय डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी आ रमेश नाथ पांडे जानकारी करौलन। अविश्वास को वातावरण के कारण दुईटा यदि नजीक को मित्र बीच में के कारण भूरा को हार्ट टू हार्ट भू तो कुरो प्रधानमंत्री जी भारतीय मित्र सोध्पर्यो रो मिसअंडरस्टैंडिंग अब नहुने भन्ने कुरा को सुनिश्चित करूँ। तो दुर्घटना किन भयो भन्ने पहिले कारण पत्ता लगाउनुस्। तो दुर्घटनाबाट नेपाल भारत सम्बन्ध हो संवेदनशील अङ्गहरुमा जुन घाउ लागेछ त्यो घाउ निको पार्ने औषधि तयार गर्नुस्। त्यो गरेपछि दुईटा मुलुकको बीचमा विश्वासको वातावरण बन्छ, त्यसपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ। परराष्ट्र मन्त्री पाण्डे भारत जाइस पहिनै संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद में पेश करा समेत सुझाव देने छल। संविधान संशोधन नेपाल के आंतरिक मामला भेला से संशोधन के प्रस्ताव संसद में पेश कत गेला पर ई विषय में भारत सुझाव देव नहीं पाओत ओ धारणा रखने छल। पूर्व परराष्ट्र मंत्री पांडे स्वयं जानकारी दिलन। नेपाली कांग्रेसक नेता रामचंद्र पौडेल गांव पाछू गांवपालिका बनाव प्रभाग बतौलने। कांग्रेस नेता पौडेल स्थानीय तह के पुनर्संरचना के लिए गठित आयोग से जनसंख्या के आधार मानिक एखन कैल गेल प्रस्ताव बहुते अव्यवहारिक रहल कहित जनता के सरकारी सेवा सरल सुरभ रूप में उपलब्ध कराब गांव गांव में गांवपालिका बनाब प्रभाग बतौलन। लमजुंग से सदन धरि लेखनाथ अधिकारी नामक कृति के बुधदिन काठमांडू में लोकार्पण कर के क्रम में कांग्रेस नेता पौडेल आयोग से बनाओल गेल जनसंख्याक मापदंड गांवपालिका के मर्म विपरीत रहल बतौलक। ओ नेपाल के गांव सब बहुते बड़का आकार के रहल कहित बहुते चा डाड़ा काड़ा मिलाकर गांवपालिका बनाओल जेबाक आयोग के प्रस्ताव स्वीकार कर निसकबाक बतौलने। बनायो हिमालमा 15,000 पहाडमा चाहिने 25,000 र तराईमा चाहिने 50,000 जनसङ्ख्याको एउटा गाउँपालिका सबभन्दा पहिले त्यो नै गलत छ र यसरी गाउँपालिका बन्दै गाउँपालिका गाउँ गाउँमा बन्नुपर्छ। गाउँले पत्रासन गाउँ त्यही अनुसारको गाउँपालिका हुन्छ। यदि जनसङ्ख्याको भनेर हुन्छ कहाँ कहाँ डाँडा काँडा कता कता मिसाएर चाहिँ कहीँ गाउँपालिका बनाएर कहीँ गाउँपालिका हुन्छ। पहिलो कुरा त गाउँपालिकाको स्पिरिट मर्मभन्दा विपरीत छ। कांग्रेस नेता पौडेल गांव विकास करबाक विषय के कोनो राजनीतिक दलक शीर्ष नेता समेत गंभीरतापूर्वक नहीं लेने आ वही के परिणाम आयोग गांवपालिका के संख्या 565 बनाब प्रस्ताव कर के हिम्मत केने बतौलक। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक नेत्री रेणु यादव मधेशी के काला वर्ण के रूप में एमालेक नेता सब केने टिप्पणी से एमाले पार्टी के नस्लवादी चिंतन प्रष्ट भेल तर्क दलिए। जनकपुर में प्रदेश स्तरीय बैसार के निर्णय सब सार्वजनिक कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष समेत रहल नेत्री यादव एमाले नेता सार्वजनिक रूप में मधेशी के काला वर्ण के कहित केने टिप्पणी एमाले के नस्लीय चिंतन के उजागर केने बतौली। सीमा निर्धारण आयोग से तय केने मापदंड के आधार में अखन के अवस्था में गांवपालिका नगरपालिका के चुनाव होब नहीं देबाक अड़ान रखित फोरम नेत्री यादव आयोग के मापदंड तराई मधेश अखन के अवस्था से समेत विकास में पछाड़ी पारा जका रहल आ षड्यंत्र तहत आयल दावी कैल। स्थानीय निकाय से समेत राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व कर के व्यवस्था से शासन व्यवस्था में हाली मोहाली रहला सब रहवला सबके वा विकेंद्रीकृत कर के नाम में राष्ट्रीय सभा कब्जा कर के रणनीति में वो सब लागल वो उल्लेख कैल जा नियुक्ति के लिए प्रदेश समिति में भंसा जिला के शेष नारायण यादव के सचिव में मनोयन आए भेले। दोसर हमरा सब एक विभागीय के पाँट फाँट के लिए जे विभाग के पाँट फाँट में साथी सब के करीब करीब 11-12 टा विभाग के पाँट फाँट आ के निर्णय से हम सब के लिए संगठन के विस्तार करे ले। तेसर हमरा सब के जिला अधिवेशन के संदर्भ में जे प्रदेश समिति क्रियाशील रहते कह के जिला सब अधिवेशन सब कराबे में ओकर निर्णय भेल छे। तकर बाद हमरा सब संगठनात्मक में ही प्रदेश समिति के एकटा स्वरूप लेके
बारहटा जिला में कौन ढंग के कार्यक्रम सब की होना चाहिए ओकर भी एकटा हमरा सब निर्णय के लिए भावी कार्यक्रम में जेबर भ्रमण करके दू दिन धरि जनकपुर में चलल प्रदेश स्तरीय बैसार से संघीय समाजवादी फोरम के प्रदेश सचिव में ओहि पार्टी के धनुषा अध्यक्ष शेष नारायण यादव के मनोनयन कायल गेल अछि। चितवन से झापा धरि के प्रतिनिधि सब सम्मिलित बैसार से प्रदेश माथत के जिला समिति के अधिवेशन में सक्रिय होब के निर्णय करैत 11 विभिन्न विभाग के प्रमुख के जिम्मेवारी समेत मारफाड़ कलक अछि। एमालेक नेता शंकर पोखरेल मधेसी समुदाय के कारी कहिक टिप्पणी कयने आ देश में द्वंद्व लाभ चाहने ओहि विरोध में मधेसी युवा सब पोखरेल के पुतला दहन कलक अछि। राष्ट्रीय मधेस समाजवादी पार्टी के विद्यार्थी संगठन समाजवादी विद्यार्थी संघ आ नेपाल सद्भावना पार्टी जनकपुर में एमाले नेता पोखरेल विरुद्ध प्रदर्शन करैत हुनक पुतला दहन कलक अछि। रामानंद चौक से ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू के अगुवाई में संघ के विद्यार्थी सब पोखरेल के पुतला संगे विरोध प्रदर्शन करैत जनक चौक में पहुँच कर पुतला दहन कयने छल। तहिना सद्भावना पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी के केन्द्रीय महासचिव राजीव झा नेतृत्व समूह समेत जनक चौक में पहुँच कर पुतला दहन कयने छल। और आई नेपाल सद्भावना पार्टी के द्वारा जे यहाँ के पुतला दहन कार्यक्रम कैल गेल छलै या ई माने समय समय पर एमाले पार्टी कोनो ने कोनो जे छै से अहाँ के ओकर नेता जे संचार मंत्री रहल शंकर पोखरेल सन व्यक्ति के जे छै अहाँ के चिंतन ओकर जे छै से मधेश विरोधी भावना ई सब जे छै से उजागर भेलै या तऽ आबो जे छै से अहाँ के करीक बात जतेक मधेसिया छै ओ सब कहै छै मधेश में कारी होइ छै वास्तव में कारी छै तऽ कारी मधेसी के एक भऽ जेबाक चाही कि आइ देश में करिकबा फेस वाला सब जेकर मुंह करिकबा है वो आइ देश में कहा दुन कालो दिवस मनबै छै तऽ वो अपन लेल कथी मनबै छै वो नहीं बुझै छै तऽ आइ देश में रंग भेद के आधार पर नस्लीय सोच और चिंतन के आधार पर देश के शासन सत्ता के डिवाइड करा चाहै छै फोड़ा चाहै छै और अपन शासन सत्ता के आयु जैसे लंबियाबा चाहै छै। ओ सब एमाले के नेता सब क्रमिक रूप में नस्लवादी बात उठाकर देश में द्वंद्व उत्पन्न करा चाहने आरोप लगौने छल। एमाले देश में द्वंद्व लाइव कर संघीयता गणतंत्र सहित के उपलब्धि सब सखाप कर उद्दत रहल वक्ता सब के कहब छल। पुतला दहन तथा विरोध प्रदर्शन में नेपाल युवा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रोशन सिंह राणा, युवा नेता रूपेश सिंह, समाजवादी विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष हृदय अधिकारी सहित सबके उपस्थिति छल। एमाले नेता पोखरेल ट्वीट कक मधेसी जनता में आक्रोश उत्पन्न एमाले नेता पोखरेल केने ट्वीट से मधेसी जनता में आक्रोश उत्पन्न भेल अछि त हुनक चौतरफी विरोध भेला के बाद रहितो एमाले भीतर के मधेसी नेता सब एखनो मौन अछि। पार्टी के खस आर्य शीर्ष नेता सब के भय आ त्रास के कारण एमाले भीतर के मधेसी नेता सब कोनो प्रतिक्रिया एखन धरि नहि देने अछि। नेकपा एमाले के प्रदेश नंबर 2 के इंचार्ज सत्यनारायण मंडल अपन पार्टी के नेता शंकर पोखरेल मधेसी जनता के पवित्र उद्देश्य लक काला वर्ण के कहकर टिप्पणी के दावी कलक अछि। जनकपुर में बुध दिन आयोजित एक कार्यक्रम में शंकर पोखरेल मधेसी के विषय में कने नस्लीय टिप्पणी संबंध में संचारकर्मी सब संगे संक्षिप्त प्रतिक्रिया देव के क्रम में संचारकर्मी सब हुनका प्रतिक्रिया देव आग्रह कला पर एमालेक प्रदेश इंचार्ज मंडल मीडिया बढ़ा चढ़ा कर अपन बात सबके विवाद में तन्ने दावी समेत कलक अछि। शंकर पोखरेल सामाजिक संजाल में कने ट्वीट में मधेसी के काला वर्ण के रूप में कने लिखित टिप्पणी पवित्र मनसाय रह कर कैल गेल टिप्पणी के रूप में ओ प्रतिवाद कलक अछि। ओ अपन कहब के हूबहु राखि देव आग्रह करैत कहलनि नेकपा एमाले के कोनो नेता गलत मनसाय राखि कर काला चमड़ी वाला नै कह सकैत अछि। ओते मात्र नै भ ओ मधेसी के जिसकाब के आ हेप के काम समेत एमाले के नेता सब कहियो नै केने दाबी समेत कलनि। एमाले का नेताले यस्तो मनसाई र उद्देश्य का साथ चाहिँ काला चमडी वाला भन्नै सक्दैन मधेसी जनताले होच्याउन सक्दैन। अगर होच्याउँछन् कुनै नेताले मैले भनेको जस्ताको तस्तै तपाईँहरूले प्रसारित गर्ने हो भनेदेखि यदि मैले भने भनेदेखि त म स्वयं सत्यनारायण मण्डल मुर्दाबाद। कार्यक्रममा नेकपा एमालेक वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य श्री प्रसाद शाह एमालेक बदनाम केनाई मधेसवादी दल के व्यापार भ चुकल बतौलक अछि।
मधेसवादी दल संविधान संशोधन के औचित्य पुष्टि नहीं कर धर नेकपा एमाले संविधान संशोधन में नहीं जेबाक श्री प्रसाद पार्टी का डांड दोहरौल कि आंदोलन के उपलब्धि सबके संस्थागत करके आंदोलन के उपलब्धि सबके रक्षा क के हक अगाड़ी बढ़ना जरूरी एमाले कभियो नहीं कह रहा कि जे बनल संविधान गीता है रामायण है आवश्यकता अनुसार ओ संविधान में जनता के आवश्यकता अनुसार संसद के आवश्यकता अनुसार देश के आवश्यकता अनुसार ओने संशोधन होत रहते होना ही जरूरी है लेकिन कौन बात संशोधन कल जाए केना के संशोधन कल जाए ऐ के राजनीतिक छलफल विचार विमर्श नहीं कर आ कोनो ठेकेदारी पार्टी जो अगुवाई कर घोषणा करत तो नेकपा एमाले एकरा पछा पछा जनाई कोनो जरूरी नहीं है। नेकपा एमालेक जनकपुर स्थित आर्थिक सहयोगी अमरनाथ गुप्ता के गायत्री होटल में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में एमालेक पोलिट ब्यूरो सदस्य सुमन प्याकुरेल भाषिक कठिनाई के कारण शंकर पोखरेल के टिप्पणी नकारात्मक होब पहुँचल दावी कलक जानकी मंदिर के छेक जका निर्माण कैल गेल गायत्री होटल के हॉल भीतर कार्यक्रम भ रहा समय बाहर मधेश के युवा सब मंडल आ एमालेक मधेशी नेता सब विरुद्ध जोरदार नाराबाजी करते एमाले से राजीनामा के मांग कने छल। यद्यपि एमाले नेता सब होटल भीतर गेला पर आ बाहर निकलला पर युवा सब के उपस्थिति ओत नहीं देखल गेल छल। समाजवादी विद्यार्थी संघ के ज्ञानेन्द्र झा मधेश अधिकार संघर्ष समिति के सरोज मिश्र सुशील कर्ण सहित के युवा सब नाराबाजी करते एमाले नेता शंकर पोखरेल मधेशी के काला वर्ण के कहित कने टिप्पणी के विरोध कने छल। नेकपा एमाले के नेता शंकर पोखरेल मधेशी के काली वर्ण के कहित नस्लीय भेदभाव कलने छे सार्वजनिक रूप में मधेशी के खौंझाव के आ भेदभाव कर जका एमाले नेता से कैल गेल प्रथम टिप्पणी नहीं है। ऐसे पहिने एमाले के पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल अध्यक्ष खड़ग प्रसाद ओली भीम रावल जेहन नेतृत्व लोकन से हो मधेश आ मधेशी प्रति तीव्र आलोचना करते विभिन्न समय में अपन टिक्का टिप्पणी से हेपैत आ जिस्कबैत आयल जनकपुरक सर्वसाधारण सबसे पूछने छलौ एमाले नेता एहन टिप्पणी संबंध में अपने सबके कहबा की है अहाँक बात जेना तहना। नेकपा एमाले के नेता शंकर पोखरेल मधेशी के कारी वर्ण के कहकर नस्लीय भेदभाव कलने सार्वजनिक रूप में मधेशी के खौंझाव के आ भेदभाव कर जका एमाले नेता से कैल गेल प्रथम टिप्पणी नहीं है। ऐसे पहिने एमाले के पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल अध्यक्ष खड़ग प्रसाद ओली भीम रावल जेहन नेतृत्व वर्ग के नेता लोकन समेत मधेश आ मधेशी प्रति तीव्र आलोचना आ विभिन्न टिक्का टिप्पणी करते आयल जनकपुरक सर्वसाधारण सबसे पूछने छलौ एमाले नेता के एहन टिप्पणी संबंध में अपने सबके कहबा की है अहाँक बात जेना तहना। मधेशी सब पर जे अपन मतलब रंग रूप के भेद विभेद के रहल है कि मतलब शंकर अहाँ के मतलब यूएनओ से मिल के आतंकवाद नेपाल में फैला रहा है एमाले में मधेशी नहीं है शंकर पोखरेल जहिया कहल कि जब मधेशी मतलब करिया हो कि वो अपना पार्टी के मधेशी बाहर के कहल के लाज लागे के चाहे वही मधेशी के जो पार्टी में है अब जो कि मधेश के विकास न चाहे है हरेक चीज में मधेश प्रति एमाले सबसे कड़ा रूप में विरोधी के रूप में अभी चिन्हल गेल छे आई कालो दिवस तक कथी मनाते मधेशी तो अपने तो स्वाभिमान के लागी लड़ाई लड़ रहा है और बाद में तो कभी कि करिया चमड़ी वाला की कर सके करिया चमड़ी से माने सब चीज करे के लागी करिया चमड़ी अगारी रहो लेवे तो घर में बोलो हम उजरे चमड़ी रहो कौन बात है कोनो मधेशी काला बर्ण गोरा बर्ण कही के मान लिया कि काला छे तो अहाँ के बेसी दिमाग गोर भ गए खून लाल भ गए तेहन कोनो बात ना है दिल में ओकरा काला है आ उ की चाहे छे कि ई संविधान के संपूर्ण विधा के अहाँ के मानबे करे छे मधेशी जे मरो मधेशी विरोधी जे पाँच सात गो बात सब है तो बात सब ना माने छे शंकर पोखरेल एहि ढंग के बात कल के तो ई बात देखे छे अपने ओ शंकर पोखरेल के हम सब कहला चाहबे कि अपन जीविया के जे है से संहार के रखे लागी ने तो मधेशी युवा आ मधेशी जनता जे से ओकर जीवो कटे के लागी चाहे ओ मधेश के पार्टी हो या बाहर के पार्टी हो जेकर बेटा मरल है ओ भूल नहीं जेतै अइ संविधान के सब दिन उजल हेतै ई जनता के ई सब जे सोचै शंकर पोखरेल शंकर पोखरेल जे कल के अधिकांश मधेशिया जे काला से है से काला के फुट पर पड़ली ना ई तो करे को प्रबंधा से ताकि मधेश के फिल लड़ाई करावे मधेशी पार्टी के फिलिंग करावे
यही सब एगो राजनीतिक बात है। इसमें कोनो मधेसी के शुरू से है पलकी अभी है पलकी, इसमें कोनो बात में दम नहीं है। लेकिन इस चीज के विरोध ऊपर तक होके जाए। धनसाक माछ व्यवसाय नेपाल भर में प्रसिद्ध रहल हेतु धनसाक माछ के स्थान में आंध्र प्रदेश के माछ बिक्री वितरण भ रहल प्रति माछ व्यवसाय सब दुख प्रकट कलक। नेपाल मत्स्य व्यवसाय संघ के प्रथम जिला अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में बजत केन्द्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद अधिकारी माछ पालन के व्यवसाय धनसा तथा महोतरी से शुरुआत भेल बतबैत अ क्षेत्र के माछ देशभर में नाम कमाब सकल गेल रहितो वही के अनुसार के उत्पादन कर नहीं सकल गेल प्रति जिज्ञासा व्यक्त कल। अध्यक्ष अधिकारी जनकपुर के नाम से काठमांडू में विभिन्न माछ दोकान सब संचालन भक आंध्र प्रदेश के माछ बिक्री वितरण भ रहल रहितो जनकपुर के माछ के नाम में विदेशी सब आर्थिक स्तर उन्नति कर रहल अब तक के व्यवसायी सब उत्पादन बढ़ावा नहीं सकल में दुख व्यक्त कल। हर किसान समर्थन करने सामूहिक सौदाबाजी करने स्थल के रूप में लिंक इस तरह के मार्फत तपाईहरुले आफ्नो पेशामा देखिएका समस्याहरुलाई चाहिँ समाधान गर्न चाहिँ सक्षम तपाईं हुनुहुन्छ भन्ने आशा मैले लाग्छ। समय पनि दिन सक्ने, धन पनि खर्च गर्न सक्ने अनि त्यहाँ मनका पनि असाध्य चाहिँ धन के अरे धन भन्दा पनि मन असाध्य भएका साथीहरू यो कार्य समितिमा आइदिनु होला। पाल मत्स्य व्यवसाय संघ के तदर्थ समितिक संयोजक कन्हैया मुखिया के सभापतित्व में भेल जिला अधिवेशन में बजट वक्ता सब माछ के क्षेत्र में सरकार उपेक्षा करित आयल जिज्ञासा करित अन्य कृषिजन्य उत्पादन तथा वितरण सर माछ व्यवसाय के समेत विभिन्न प्रकार के सेवा सुविधा देव प्रभाग मांग कने छल। सरकार उद्योग मंत्रालय में माछ व्यवसाय के गाबि के माछ व्यवसायी सब के मनोबल घटाब के काज कर रहा से स्वयं सब देशभर से 50,000 हस्ताक्षर लग मत्स्य मंत्रालय निर्माण के लिए छुट्टे पहल करवाक जानकारी समेत करौल कैसे। कार्यक्रम में कृषि विकास कार्यालय के लक्ष्मी नारायण भगत धनसाक प्रत्येक गांव विषय में कमती में दू आ बेसी में 22 धेर पोखरी रहल जानकारी समेत करौने छल। जिला में 370 पोखर के संख्या रहल जानकारी करबित सबसे बेसी धनसाक क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका में पोखर रहल जानकारी देने छल। उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि के रूप में बोयलाल मुखिया मत्स्य विकास तालीम केन्द्र के प्रमुख रविलाल शर्मा केवल मुखिया लगायत के व्यक्ति सब अपन अपन धारणा रखने छल। मत्स्य व्यवसाय संघ के प्रथम जिला अधिवेशन से नया कार्य समिति समेत चयन कल गए। नया कार्य समिति के अध्यक्ष में कन्हैया मुखिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष में सुरेंद्र भंडारी, उपाध्यक्ष में शंकर मुखिया, सचिव में श्याम सहनी, सह सचिव में बद्री लामा, कोषाध्यक्ष में राम केवल मुखिया के चयन कल गए। अन्य 30 गोटे समिति के सदस्य में चयन कल गए। कानू समाज आ ब्याहूत कलवार सेवा समिति जनकपुर में अपन आराध्य देव बलभद्र के पूजा आराधना का बलभद्र जयंती मनौलक। बलभद्र जयंती के अवसर पार के जनकपुर में कलश यात्रा आ रक्तदान कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान संगे विविध कार्यक्रम सबके साथ पूजा आराधना के संग कार्यक्रम भव्यता के संग मनाओल गए। कानू समाज आ ब्याहूत कलवार जनकपुर के गंगा सागर से 108 महिला सहभागी कलश यात्रा के आयोजना का बलभद्र मंदिर में कलश स्थापना कलक। बुधे दिन कानू आ ब्याहूत कलवार से प्रवेशिका परीक्षा में उत्कृष्ट करे वाला छात्र छात्रा के सम्मानित तथा पुरस्कृत कल गए। मिथिला कला के कलाकार अजीत शाह के समेत वही समारोह में सम्मान कल गया। आज जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे कुल देवता छिन हे बलभद्र पूजा के हम सब मनाबे प्रत्येक साल प्रत्येक साल के भांति और साल हम सब जैसे मना रहा है और वही में विभिन्न किस्म के जैसे प्रोग्राम हमारा सबके भी वही राखल गए। सबसे पहले का प्रोग्राम है कलश यात्रा, कलश यात्रा के बाद में पूजा के प्रोग्राम है, पूजा होते तहिना बलभद्र जयंती के अवसर पार कर रक्तदान कार्यक्रम के समेत आयोजना कल गया। ब्याहूत कलवार कुटीक अध्यक्ष बैजनाथ शाह बतौलने। जनकपुर में निजामती कर्मचारी सेवा दिवस में भद्र गोल देखल गया। पानी पड़ रहल समय समेत निजामती सेवा दिवस मनावा उत्साहित भक भोरे जिला प्रशासन कार्यालय धनसा पहुंचल दर्जन से बेसी कर्मचारी सब व्यवस्थापकीय कमजोरी छत्ता छुल भेला के बाद कार्यक्रम में सहभागी नहीं भ आक्रोशित भ घर घूरल छल। निजामती सेवा दिवस के अवसर पार के प्रमुख जिला अधिकारी निजामती कर्मचारी सब के सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी भक कार्य संपादन कर लगायत के विशेष निर्देशन देव के कार्यक्रम छल।
हजार के हाराहारी में निजामती कर्मचारी रहल धमसा में दिवस मनाब आयोजित समारोह में मुश्किल से 50 गोटे अटाय वाला सभा हॉल में कार्यक्रम के आयोजना कैल गेल। बाकी सब कर्मचारी सब घर घूर पड़ल। अधिकांश निजामती कर्मचारी पानी में भिजित कार्यक्रम में सहभागी नहीं भ घर घूर के बाध्यता छल। कार्यक्रम में 7 बजे जिला प्रशासन कंपाउंड में उपस्थित होला के बाद अठाम जैसे कार्यक्रम अधिकृत संगम ऊपर भरल से जानकारी भेल। ऊपर गला के बाद कोनो कर्मचारी के बैठे तक व्यवस्थित नहीं आने जाए कि मतलब यहाँ धनसा जिला में 1200 से 1400 तक कर्मचारी से निजामती कर्मचारी 60 कुर्सी भी न लागल है और वही अवस्था में कौन हिसाब से निजामती दिवस सम्पन्न भेल से हमरा सबके बुझ नहीं पड़ रहा है। सब अल्पक में पवेली जैमे कि अहाँ के अधिकृत संगम में जे चाहिए से व्यवस्थित जतबे सीट छे ओहिसे बेसी छे कर्मचारी सबके बजा लेने जम्मे कर्मचारी जे छे से बाहर जे छे से एमे जे छे से घूम रहल छे ओकर व्यवस्थित जे छे से अहाँ के नहीं भ सकल छे। घर घूरल कर्मचारी सब उत्साहित भक स्वयं सब दिवस मनाब एत आयल मुदा कोनो व्यवस्था निकाल गया अपना सबके अपमान कैल गया कहित आप दोसर वर्ष अलगे अपने छुट्टे दिवस मनाओल जेबाक धर के चेतावनी समेत दिलन। प्रमुख जिलाधिकारी दिलीप चापागाई कर्मचारी सब नहीं अटोनाई सामान्य विषय रहल असफलतापूर्वक सेवा दिवस मनाओल गया बतौलन। यो कार्यक्रम विशेषतः के भन्दाखेरि राज्यको चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्ने निजामती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कसरी सेवाप्रति भाव जवाबदेही बनाउने अहिलेको परिवर्तनमा कसरी उहाँहरू चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने र परिवर्तित भाव अनुसार चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा विशेष नाराको साथ हामी मनाइरहेका छौँ। सेवा मैत्री आ जवाफदेही प्रशासन संहिता में सुशासन नारा सहित मनाओल गेल दिवस मात्र नारा में सीमित भ गेल। महोतरी में निजामती सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रम के संग संपन्न भेल। निमित्त प्रमुख जिलाधिकारी शंभु प्रसाद यादव के अध्यक्षता में जिलाक निजामती कर्मचारी सब के दिवस मनौलक। बुध दिन भोरे सहयोग के संख्या में उपस्थित भेल निजामती कर्मचारी सब प्रभात फेरी निकाल कर नगर परिक्रमा केने छल। ओहि पश्चात जलेश्वर अस्पताल में बीमारी सबके फल फूल वितरण तथा रक्तदान कार्यक्रम कक दिवस के अवसर में ई मनाओल गेल। निमित्त प्रजीय स्थानीय विकास अधिकारी नया प्रहरी उपरीक्षक विभिन्न कार्यालय के कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायत के उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भेल छल। विराटनगर में होस्टल संचालन क रह वाला सुनसरी अरबानी के 19 वर्षीय विनोद यादव के हत्या में संलग्न 3 गोटे के पुलिस पकड़ाव को सार्वजनिक कलक। पुलिस सिरहा के 22 वर्षीय राकेश कुमार यादव आ 17 वर्षीय कृष्ण कुमार यादव तथा सप्तरी महुआ के 18 वर्षीय जितेंद्र कुमार शाह के विनोद के हत्या आरोप में पकड़ाव का सार्वजनिक कलक। मंगल दिन भोर विराटनगर 13 3 टोलिया स्थित ओमकार श्रेष्ठ के घर में विनोद यादव के हत्या कैल गल अवस्था में सब बरामद कैल गल। पुलिस हनका सबके संग से यादव के हत्या कर में प्रयोग कैल गल एकटा छुड़ा एकटा कटुआ पिस्तौल आ विभिन्न ब्रांड के मोबाइल समेत बरामद कलक। मोरंग के प्रहरी प्रमुख SP संदीप भंडारी के अनुसार ओकरा सब संग पुलिस विराटनगर महानगरपालिका 20 विराटनगर उप महानगरपालिका 20 स्थित नेपाल भारत के सीमाना दरैया से बीतलैत पकड़ाव कैल गेल। विराटनगर उप महानगरपालिका 13 स्थित दुर्गा देवी बराल के घर में यादव ऑक्सफोर्ड होम हॉस्टल संचालन करे दल छल। 19 वर्षीय विनोद के हत्या में संलग्न भेल आरोप में पकड़ाव कैल गेल 3 गोटे विद्यार्थी सब। एखन हम सब प्रारंभिक अनुसंधान में छी अपन कोठली में बजा कर स्वयं सब विनोद के हत्या केने ओ सब स्वीकार केने। पत्रकार सम्मेलन में SP भंडारी कहलन अत्यधिक मतिरा सेवन का विवाद बढ़ला के बाद विनोद के हत्या कैल गेल हमर सबके अनुसंधान से देखबैत अछि। यादव के हत्या केला कैल गेल आ कारण एखन पूर्ण रूप में खुल नहीं सकल। पकड़ाव करबला सब संगे बयान लेब के क्रम जारी रहल उपरीक्षक बतौलक। मंगल दिन रात में विराटनगर 13 शांति चौक स्थित ओमकार श्रेष्ठ के घर में 19 वर्षीय विनोद के धरगर हथियार प्रहार का विभत्स हत्या कैल गेल अवस्था में सब बरामद कैल गेल छल। यादव के शरीर टुकड़ा टुकड़ा कैल गेल छल। मृतक के माथ आ गोर धर नीचा के भाग सब विभत्स अवस्था में बोरा में पैक कैल गेल छल। गर्दन से नीचा आ ठेवना से ऊपर के भाग डसना में कोच के राखल गेल अवस्था में बरामद कैल गेल छल।
पत्नी हत्या अभियोग में कारागार में सजाए भुगतान कर रहा सशस्त्र प्रहरी बल के पूर्व डीआईजी रंजन कोइराला प्रेमिका के अपहरण के धमकी देने आरोप में पूर्व मंत्री श्याम सुंदर गुप्ता संगे इंस्पेक्टर अनिल पंडित समेत पकड़ाव पड़ल। अपहरण के आरोप में ऐसा को पकड़ाव पड़ल। गुप्ता के साथ देने आरोप में मंगल दिन भैंसे पार्टी प्रहरी प्रभाग के इंस्पेक्टर अनिल पंडित समेत पकड़ाव पड़ला के बाद आईजीपी उपेंद्र कांत अरियाल भोरे ललितपुर परिसर पहुंचल छल। पूर्व जानकारी बिना भोर करीब 9 बजे दिस 81 आईजीपी अरियाल परिसर में देखल गेला के बाद परिसर के कर्मचारी सब समेत आश्चर्यचकित बनल। परिसर में पुगल लगते वो SSP पीताम्बर अधिकारी सहित सबके अगाड़ी राखि के अपराधी संगे साठगांठ राखे वाला प्रहरी के हालत सबके एहने होबाक चेतावनी देने परिसर के एक अधिकृत बतौलक। ललितपुर परिसर मार्फत के सब इकाई के प्रमुख सबके एक ठाव में राखि के आईजीपी अरियाल लगातार 2 घंटा ब्रीफिंग केने छल। पर्यटन मंत्री जीवन बहादुर शाही पर्यटन व्यवसायी सब के सरकारी सेवा एकै स्थान से उपलब्ध कराओल जेबाक बतौलक। पर्यटन मंत्री शाही बुधदिन नेपाल पर्वतारोहण संघ के 26वां वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन के क्रम में पर्यटन संघ संबंधित सब सेवा एकै स्थल से उपलब्ध कराब स्वयं मंत्रालय के कर्मचारी सबके निर्देशन दे चुकल बतौलन। वो पर्यटन व्यवसायी सबके प्रोत्साहित करक लेल स्वयं पर्यटन संघ संबंधित सेवा एकैटा स्थल से देबाक व्यवस्था करय लागल समेत बतौने छलथि। नीति नियमहरू कुनै पनि टुरिज्म व्यवसायलाई तपाईँले 10 ठाउँमा जाने कुरै नगर्नुहोस्, इन्टिग्रेटेड एउटा चाहिँ स्टल बनाउनुहोस्। यो मेरो पहिलो निर्देशन हो, मेरो निर्देशनलाई म साँच्चै राखेर भन्दैछु। भनिदिनु होला जीवन चाहिँ फटारे चाहिँ केही भनेको छैन भने पनि अहिले भनिदिनु होला इन्टिग्रेटेड, किनकि वनमा जाने कि अर्कोमा जाने कि अर्कोमा जाने एउटा गर्नु ब्याङ्किङ सिस्टम त्यो मिलाइदिनुहोस् हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ राम्रो भएको, मैले त निर्देशन दिइसकेँ, अब फलोअप गर्नलाई मन्त्रालय भनेको छु, उहाँले कति पो गर्नुहुन्छ। पर्यटन मंत्री शाही 8 महीना कार्यकाल में 24 महीना में करय वाला काम कर देखेबाक दावी कलन। वो भूकंप के कारण ढहल संपदा सबके पुनर्निर्माण कर पर्यटक सबके आकर्षित करय के लिए दौड़ के गति में काम कर पर्यटन के क्षेत्र में सुधार कैल जेबाक बतौलन। 8 महीना बनाना चाहिए, 8 महीना में करने काम 27 महीना पर्यटन मंत्री शाही नेपाल वायु सेवा निगम आ विभिन्न स्थान में रहल विमानस्थल के सुधार अपन पहिल प्राथमिकता में रहत बतौलक। कार्यक्रम में सहभागी पर्यटन व्यवसायी सब नेपाल वायु सेवा निगम के जहाज संपन्न बनाव प्रभाग में जोड़ देने छलथि। नेकपा एमाले 100 से बेसी नेता सब चंद्रगिरी हिल केबल कार चढ़लक। पार्टी अध्यक्ष KP शर्मा ओली के नेतृत्व में एमाले 100 से बेसी नेता सब बुधदिन भोर में चंद्रगिरी हिल केबल कार में चढ़ने। माधव कुमार नेपाल, सुभाष चंद्र नेमवांग बाहेक थाई समिति के सब नेता तथा पार्टी अध्यक्ष ओली निकट पोलिट ब्यूरो आ केंद्रीय सदस्य सब केबल कार चढ़ने छल। नेता सब के साथ में मालिक करीब 100 कार्यकर्ता समेत केबल कार चढ़लक। केबल कार के दुतर्फी भाड़ा 700 रुपया निर्धारण केने चंद्रगिरी हिल लिमिटेड। एमालेक 100 से बेसी नेता, ओतबे संख्या के कार्यकर्ता तथा हुनका सबके सुरक्षा के लिए पहुँचल सुरक्षाकर्मी सब संगे भाड़ा नहीं लेने छल। निःशुल्क केबल कार चढ़ौने चंद्रगिरी हिल लिमिटेड एमालेक नेता तथा कार्यकर्ता चंद्रगिरी डाँडा में रहल होटल में निःशुल्क रूप में नाश्ता आ खाना समेत खुवने छल। चंद्रगिरी डाँडा से काठमांडू उपत्यका देखा वाला एमाले नेता सबके इच्छा वर्षा के कारण पूरा होब नहीं सकल। भोर में पड़ल पानी से हुस्सू लगला के कारण चंद्रगिरी डाँडा से उपत्यका के अवलोकन करबाक एमाले नेता सबके इच्छा पूरा होब नहीं सकल। दृश्यावलोकन करके इच्छा पूरा नहीं भेला के बाद एमाले नेता सब चंद्रगिरी हिल लिमिटेड के अध्यक्ष चंद्र ढकाल के सम्मान करवा कार्यक्रम में सहभागी भेल। कार्यक्रम में एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओली से सम्मान पत्र ग्रहण करते चंद्रगिरी हिल लिमिटेड के अध्यक्ष चंद्र ढकाल विद्युत में होबे वाला गड़बड़ी से केबल कार संचालन में समस्या आब रहल कहित विद्युत के डेडिकेटेड लाइन के व्यवस्था कर देव आग्रह केने छल। पहिलो चाहिँ कारण थियो वास्तवमा त्यो यदि डेडिकेटेड लाइन चाहिँ भएको चाहिँ भए वास्तवमा यत्रो ठुलो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ डेडिकेटेड लाइन चाहिँ भएको भए त्यो चिजहरू आउन सक्ने अवस्थै चाहिँ रहँदैन। र त्यसै गरेर जस्तो हामीले अब सर्टेन चाहिँ जस्तो पानीको पनि चाहिँ कुराहरू छ, वास्तवमा यहाँ माथि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री र माननीय नेतागणहरूलाई म चाहिँ के भन्छु भने यो जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बनेको छ त्यो हामी पानी बोकाएर ट्याङ्कीमा चाहिँ पानी बोकाएर हामीले गरेको छौँ। अब यहाँहरूले चाहिँ अनुमान चाहिँ गर्नुहोस् भन्नाले कस्टको हिसाबले कति कस्ट चाहिँ पऱ्यो होला।
वास्तवमा त्यो पनि भन्नाले हाम्रो धेरै एउटा च्यालेन्जकै चाहिँ विषय रह्यो। जवाफमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केवल कारके डेडिकेटेड लाइनके व्यवस्था क देव पहल करबाक आश्वासन देने छल। ओ एखनके सरकार नै देत तैयो किछु समयके बाद फेरसँ अपन नेतृत्वमे सरकार बनत कहित किछु देर धैर्य कर ढकालके आग्रह कयने छल। चन्द्रगिरी हिल लिमिटेड 3 अर्ब रुपियाँके लागतमे बनाउने केबल कार गत साल 23 गतेसँ सञ्चालनमे आयल अछि। लिमिटेड चन्द्रगिरी डाँडामे आब एकटा होटल आ अन्य भौतिक संरचनाक लेल 1 अर्ब रुपया खर्च करबाक बतौलक अछि। सरकार अर्थ मंत्रालयके सचिव संतराज सुवेदीके सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान कयलक अछि। सामान्य प्रशासन मंत्रालय निजामती सेवा दिवसके अवसर पारिकऽ बुध दिन काठमाडौँमे एक समारोहके सचिव सुवेदीके सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान कयलक अछि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सचिव सुवेदीके 2 लाख रुपियाँ सहित सम्मान पत्र प्रदान कयलनि अछि। 2068 सालसँ प्रदान करके शुरू केने ई पुरस्कार विगत 2 वर्ष केकरो प्रदान नहीं कयल गेल छल। सरकार 3 गोटे सहसचिव 5 गोटे उपसचिव आ 2 गोटे अधिकृत के जनही 1 लाख रुपया राशि के उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्रदान कयलक अछि। पुरस्कार पाबयवला मध्य 9 गोटे काठमांडू में कार्यरत अछि त 1 गोटे बझांग में कार्यरत अछि। पुरस्कृत 10 गोटे में महिला नहीं पड़ल अछि। उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाबयवला में सह न्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सड़क विभाग के महानिदेशक देवेन्द्र कार्की, लोक सेवा आयोग के सहसचिव खगेन्द्र प्रसाद सुवेदी, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयके महालेखा नियन्त्रक गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ आ महालेखा परीक्षकके कार्यालयके निर्देशक माधव प्रसाद लामी छाने अछि। तहिना गृह मन्त्रालयके उपसचिव प्रदीप कडेल, कानून मन्त्रालयके उपसचिव होम बहादुर केसी, अख्तियारके उपसचिव हरि बाबू पोखरेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयके अधिकृत गोकुल बस्नेत आ खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय बझाङमे कार्यरत अधिकृत कृष्ण बहादुर बोगटी समेत उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पौलक अछि। 50,000 रुपया राशि के निजामती पुरस्कार 11 गोटे उपसचिव, 9 गोटे अधिकृत, 2 गोटे नायब सुब्बा, 4 गोटे सरदार खरदार आ 4 गोटे श्रेणी विहीन कर्मचारी के 30 गोटे के प्रदान कयलक अछि। साहित्यकार भुवन ढुंगाना के बीपी साहित्य सम्मान प्रदान कयल गेल अछि। जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्ट बुध दिन काठमांडू में एक समारोह के बीच साहित्यकार ढुंगाना के 1,01,000 रुपया राशि सहित बीपी साहित्य सम्मान प्रदान कयलक अछि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा ढुंगाना के सम्मान पत्र आ रकम प्रदान कयलनि। तहिना बीपी सेनानी सम्मान आ श्यामलाल श्रेष्ठ के प्रदान कयल गेल अछि। श्रेष्ठ के सम्मान स्वरूप सम्मान पत्र आ 25,000 रुपया प्रदान कयल गेल छल। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा असंतुष्ट मधेशवादी दल सब संगे समझौता कऽ कऽ संविधान के कार्यान्वयन करबाक बतौलक अछि। कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के आयोजना में काठमांडू में नेपाल अफ्रीका फिल्म फेस्टिवल शुरू भेल अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन बुध दिन एक समारोह के बीच फिल्म फेस्टिवल उद्घाटन कयलनि। रशियन कल्चर सेंटर में 3 दिन धरि चलय वाला फेस्टिवल में नेपाल, इजिप्ट, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका लगायत के 8 देश के 8 फिल्म देखाओल जेबाक कार्यक्रम अछि। फेस्टिवल में नेपाल के दिस सँ नीर शाह निर्देशन केने फिल्म मसान देखाओल जेबाक कार्यक्रम अछि। आप बिजनेस न्यूज उद्योगी व्यवसाय से भारत संगे के व्यापार घाटा वर्षों वर्ष बढ़ रहल कहित कृषि आ जल विद्युत के क्षेत्र में भारतीय लगानी प्रवेश कराबक लेल पहल कर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के सुझाव दिलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स लगायत के संस्था में आबद्ध उद्योगी व्यवसायी सब बुध दिन प्रधानमंत्री दाहाल अपन आसन भारत भ्रमण के संदर्भ में रखने विचार में व्यापार घाटा कम करक लेल उत्पादन बढ़ावा पड़बाक आ ओहिके लेल भारतीय लगानी आकर्षित कर पड़बाक बतौलक अछि। उद्योगी व्यवसायी सब नेपाल में कृषि, जल विद्युत आ पर्यटन के बेसी संभावना भेला के कारण एहि क्षेत्र में भारतीय लगानी भितराबक लेल पहल करब प्रधानमंत्री दाहाल के सुझाव देने छल। ओ सब पंचेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना अगाड़ी बढ़ेबाक, प्रसारण लाइन निर्माण करबाक, सीमा क्षेत्र के चेक पोस्ट के अवस्था सुधार करबाक विषय में भारत भ्रमण में बात उठाब सुझाव दिलक अछि। बैसार पश्चात नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा सेवा शुल्क हटेबाक, गौरी फंटा नाका के सुधार करबाक लगायत के विषय में भारतीय नेतृत्व संग बात राखा सुझाव देने जानकारी करौने छले।
ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरू भयो, बोर्डरको आइसिपीको इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टको कुराहरू भयो, र जुन गत वर्ष जुन एउटा यो नाकाबन्दीले गर्दाखेरि समस्याहरू उत्पन्न भएको छ, र जुन एउटा चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ बोर्डर एरियामा चाहिँ जुन एउटा कन्जेसनको कुराहरू छ रेलवेजको, त्यसका बारेमा पनि सुझावहरू राखेका छौँ, अनि सर्भिस ट्याक्सको कुराहरू जुन छ त्यो लगाइने सर्भिस ट्याक्स पनि हुनुहुन्न भन्ने ती कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सामान्य प्रोग्राममा यी कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताको साथ राखेका छौँ। र अर्को चाहिँ कैलालीको गौरी फन्डा बोर्डरको कुरामा पनि हामीले समावेश गरेको छौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल संघ उद्योगी व्यवसायी सबके टोली समेत भारत जेबा कार्यक्रम तय है। नेपाल के उद्योगी व्यवसायी सब प्रधानमन्त्री दाहाल के उपस्थिति में भारतीय उद्योगी व्यवसायी सब संगे अंतरक्रिया करवा कार्यक्रम तय भ चुकल। अब इंटरनेशनल न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिका भाइरस के संक्रमण फैलल व्यक्ति के कमती में 6 महीना शारीरिक संबंध नहीं बनाब बतौलक। शारीरिक संबंध से जीका वायरस के संक्रमण जल्दी फैल के खतरा रहला के कारण सावधानी अपनाब पड़त WHO जनौलक। जीका वायरस के लक्षण नहीं देखल गेल व्यक्ति में से 6 महीना धरि वायरस के अंश जीवित रहला से सुरक्षित रूप में संबंध बनाब कहल गेल। किछ हफ्ता आगू इटली के एक व्यक्ति में पहिल बेर जीका वायरस संक्रमण के लक्षण देखल गेल, 6 महीना पश्चात समेत जीका वायरस के संक्रमण रहल पता लागल छल। एक बेर जीका वायरस के संक्रमण भेल व्यक्ति में फिर समेत संक्रमण होब सकबाक संभावना बहुते कम होबाक विश्वास विशेषज्ञ सबके अछि। WHO के अनुसार एखन धरि 11 देश में शारीरिक संबंध के कारण जीका वायरस के संक्रमण फैलल पुष्टि भेल अछि। एखन धरि 60 टा से बेसी देश में जीका के संक्रमण देखल जा रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव केशव बहादुर बिष्ट 7म राष्ट्रीय खेलकूद खेलकूद तोकल गेल मितीय में होब पर बाक बतौलक। परिषद के सदस्य सचिव बिष्ट बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का स्वयं 1 वर्ष के अवधि में केने काम के विवरण सार्वजनिक करे के क्रम में खिलाड़ी के हित आ साग गेम के तैयारी के लिए 7म राष्ट्रीय खेलकूद तोकल गेल मितीय में होब पर बाक बतौलक। परिषद ऐसागु 7म राष्ट्रीय खेलकूद आगामी अघन 8 से 15 गत्य धरि पूर्वांचल में करबाक तय केने में युवा तथा खेलकूद मंत्री दलजीत बीके श्रीपाली 1 महीना पहिने मिति हेरफेर होयबाक बतौने छल। मुदा परिषद के सदस्य सचिव बिष्ट पूर्वाधार संबंधी सब तैयारी 1 महीना भीतर पूरा कर सकबाक भेला से 7म राष्ट्रीय खेलकूद अघने में होब प्रभाक बतौलन। खेलाडीमाथि थप 1 वर्षको अन्याय नगर्ने हो भने खेलाडीमाथिलाई खेलाडीहरूको चाहिँ यो अब आउने साध्यको तयारी गर्नका निम्ति एउटा उचित प्रक्रियाबाट विशेष प्रक्रियाबाट छनौट गर्ने हो र साध्यको तयारी गर्ने साध्यमा बढी पदक प्राप्त गर्ने हो भने अहिले हामीले मङ्सिरमा 7 राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने अनिवार्य छ र हुन्छ नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। सरकार कटिबद्ध छ, मन्त्रीज्यू कटिबद्ध हुन्छ, मन्त्रालय कटिबद्ध छ, हामी त्यो सम्पूर्ण तयारी जुटेका छौँ। पूर्वाधार 1 महिनाभित्रमा चाहिँ के भने सम्पन्न हुन्छ। अहिले खालि रङ रोपन कहीँ पुल पार कहीँ अलिअलि टोइलेट अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्ने कहीँ बिजुली फिटिङ गर्नुपर्ने यस्ता यस्ता कामहरू मात्रै बाँकी छन्। नभएदेखि यस्ता पूर्वाधारको पक्ष सबै कुरादेखि नेताको तयारी छ। दसैँ अगाडि पूर्वाधारको कामहरू सम्पन्न हुन्छन्, जसै त्यहाँको बिचमा अलिक सजाव गर्ने कामहरू रङ रोपन गर्ने कामहरू हुन्छ। 7म राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता में मिति तोय कैसा आगू 2 बेर स्थगित कैल गेल छल। परिषद के सदस्य सचिव बिष्ट स्वयं संघ अधिकार रहल रहितु मंत्री मंत्रालय खेल संघ खिलाड़ी आ कर्मचारी संघ समन्वय कर प्रभाक भेला से अधिकार के प्रयोग कला पर बहुत सतर्क हो प्रभाक अवस्था रहल बतौलक। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। निजामती सेवा इतिहास के संगीन मोड़ में पहुंचल प्रधानमंत्री प्रसन्न के कहब। हिमालयक नेता शंकर पोखरेल के टिप्पणी के विरोध में जनकपुर के युवा सब द्वारा पोखरेल के पुतला दहन। हिमालयक मधेश प्रदेश इंचार्ज मंडल के जनकपुर में विरोध, पोखरेल ओना बाजल खात मंडल के अखनो विश्वास नहीं। मधेशी के कारिके के हिमालयक नेता नस्लवादी चिंतन ट्रस्ट के ने संघीय समाजवादी फोरम नेपालक नेत्री यादव के कहब। जीका वायरस के संक्रमण फैलल व्यक्ति कमती में 6 महीना शारीरिक संबंध नहीं बनाब विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर
तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।